अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए, ये एग्जाम्पल भी कई बार रिपीट है, इसको ध्यान से सोल्व करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखिए तीन अभिन्न डिब्बे, यानी अलग अलग डिब्बे आपके पास है, ठीक है। तीन अभिन्न डिब्बे फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिए है, जहां प्रत्येक में दो सिक्के हैं, हर एक डिब्बे में दो सिक्के हैं, ठीक है। डिब्बे एक में दोनों सिक्के सोने की है, डिब्बे दो में दोनों सिक्के चांदी की है, और डिब्बे तीन में एक सोने और एक चांदी का सिक्का है। एक व्यक्ति यादृच्छा एक डिब्बा चुनता है और उसमें से यादृच्छा एक सिक्का निकालता है। यदि सिक्का सोने का है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का ही है। अब डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास तीन डिब्बे हैं, ठीक है। तो पहले देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 है, एग्जाम्पल 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपके पास तीन डिब्बे हैं, आप मान लो यहाँ पर कि एक डब्बा ये रहा आपके पास, ये है फर्स्ट वाला डब्बा, और ये मान लो सेकंड वाला डब्बा है आपके पास ही, ये मान लो सेकंड डब्बा है, और एक मान लो ये वाला थर्ड डब्बा है, ठीक है, नहीं तीसरे वाला डब्बा है ये, ठीक है। अब देखिए अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, तीन डिब्बे हैं तो पहले इनकी घटनाओं को मान लो कि डिब्बे फर्स्ट को E1 मान लो, डिब्बे सेकंड को E2 मान लो, और डिब्बे थर्ड को E3 मान लो। तो यहाँ लिख लो माना घटना E1, घटना E1 को मान लो आप, जब डब्बा फर्स्ट चुना जाता है, जब डब्बा, ठीक है, डब्बा बोलो डिब्बा बोल लो, ठीक है, एक ही बात है, जब डिब्बा एक चुना जाता है, जब डिब्बा एक चुना जाता है, ठीक है, तो हमने मान लिया कि घटना जो E1 है वो जब डिब्बा एक चुना जाता है उसकी घटना है, और E2 मान लो डिब्बे टू को चुनने की घटना, ठीक है। जब डिब्बा सेकंड चुना जाता है, डिब्बा सेकंड को चुनने की प्रायिकता, मतलब डिब्बे सेकंड को चुनने की घटना हमने E2 मान ली, तो E2 क्या है, जब डिब्बा सेकंड चुना जाता है, जब डिब्बा सेकंड चुना जाता है। अब E3 मान लो जब डिब्बा थर्ड चुना जाता है, ठीक है, जब डिब्बा थर्ड चुना जाता है। तीन घटनाएं आपको माननी है, डिब्बे फर्स्ट को चुनने की घटना E1 है, डिब्बे सेकंड को चुनने की E2 है, और डिब्बे थर्ड को चुनने की E3 है, ठीक है, ये आपने मान लिया है। अब एक देखिए सोने का सिक्का निकलने की घटना को मान लो आप ये, तो लिख लो यहाँ पे ये घटना, जब सिक्का सोने का निकलता है, जब सिक्का सोने का निकलता है, ठीक है, सोने का सिक्का निकलने की घटना को मान लो आप ये, ठीक है। हमने क्या किया, क्वेश्चन में तीन डब्बे थे हमारे पास, तो हमने डिब्बे फर्स्ट को मान लिया E1, डिब्बे सेकंड को मान लिया E2, और डिब्बे थर्ड को मान लिया E3। अब सोने का सिक्का निकलने की घटना को E मान लिया आपने, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। तीन अभिन्न डिब्बे है, डिब्बे एक दो और तीन दिए है, जहाँ प्रत्येक में दो सिक्के है, हर एक डब्बे में दो दो सिक्के है, ठीक है। डिब्बे एक में दो सिक्के सोने की है, ठीक है। अब देखिए जो डिब्बा एक है इसमें दो सिक्के सोने के, दो क्या है सोने की सिक्के है। अब आगे क्या बोलता है देखिए, यहाँ पर अब बोलता है कि डिब्बे सेकंड में दोनों सिक्के चांदी की है, ठीक है। तो यानी जो डिब्बा सेकंड है इसमें दो चांदी के सिक्के, दोनों सिक्के क्या है चांदी की है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोलता है कि डिब्बे थर्ड में एक सोने का और एक चांदी का सिक्का है, ठीक है। तो देखिए जो ये थर्ड वाला डब्बा है इसमें एक सोने का सिक्का है और एक चांदी का सिक्का है, ठीक है, ये आपने लिख लिया पहले। अब आगे क्या बोलता है वो देखिए ध्यान से, कि एक व्यक्ति यादृच्छा एक डब्बा चुनता है और उसमें से यादृच्छा एक सिक्का निकालता है। यदि सिक्का सोने का है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का ही है, इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। देखिए यानी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि अगर सिक्का सोने का है तो वो डिब्बे एक से निकलता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ध्यान से, सोने का सिक्का, देखिए दूसरा सिक्का भी सोने का निकलना है, वो आपको निकालना है। तो देखिए दूसरा सिक्का भी डिब्बे एक से ही निकल सकता है सोने का, क्योंकि डिब्बे एक में दो सिक्के हैं सोने के, दूसरे में चांदी के, एक सोने का एक चांदी का है।
तो एक सिक्का अगर यहाँ से सोने का निकलता है तो दूसरा सिक्का भी सोने के निकलने की प्रायिकता इसी डिब्बे से लेंगे हम, ठीक है, इसी डिब्बे से चांस है निकलने का। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सोने का सिक्का डिब्बे एक से निकलेगा उसकी प्रायिकता आपको निकालनी है, क्योंकि डिब्बे एक में ही सोने के दो सिक्के हैं। दूसरी बार भी सोने का सिक्का निकले उसकी प्रायिकता पूछ रहा है, तो दूसरी बार में डिब्बे एक से ही निकल सकता है, ठीक है। डिब्बे दो में तो सोने के सिक्के है ही नहीं है, और डिब्बे तीन में तो सोने का सिक्का एक ही है, तो एक का तो आप निकाल लोगे एक बार भी, लेकिन दूसरी बार भी सोने का सिक्का निकले इसका चांस केवल डिब्बे एक से है, और डिब्बे एक से है तो उसको क्या लिखेंगे, ए का मतलब क्या है कि सोने का सिक्का, और ईवन का मतलब क्या है, डिब्बे एक से निकलेगा उसकी प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है। चलो अब देखिए जितने डिब्बे हैं उनकी प्रायिकता आप निकाल लो पहले। तो देखिए डिब्बे एक से, डिब्बे एक की प्रायिकता कितनी होगी, डिब्बे तीन है, तीन में से एक डिब्बा चुनने की प्रायिकता क्या होगी, 1/3 होगी। फिर डिब्बे दो की प्रायिकता, देखिए तीन डिब्बे है, तीन में से दूसरे वाले की प्रायिकता कितनी होगी, 1/3 होगी, और तीसरे वाले की भी कितनी होगी, 1/3 होगी, क्योंकि तीन डिब्बे हैं और एक एक को चुनना है, तो 1/3 होगी सबकी प्रायिकता, ठीक है। तो तीनों डिब्बों की प्रायिकता कितनी होगी, 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। अब देखिए अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर आप लिख लो पी ए अपॉन ई वन, इसका क्या मतलब हुआ कि प्रायिकता निकाल ले आप किसकी, डिब्बे एक से सोने का सिक्का निकले उसकी प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखना है, डिब्बे एक से सोने का सिक्का निकले, डिब्बे एक से सोने का सिक्का निकले उसकी प्रायिकता है, पी लगा दिया ना प्रायिकता आपने, देखिए पी का मतलब क्या होता है प्रायिकता, और किसकी, ए अपॉन ईवन, इसका मतलब क्या हुआ कि डिब्बे एक से सोने का सिक्का निकले, डिब्बे एक से सोने का सिक्का निकले उसकी प्रायिकता, ठीक है। अब इसकी प्रायिकता कितनी होगी, देखिए डिब्बे एक से सोने का सिक्का निकले, देखिए डिब्बे दो में देखिए सोने के दो सिक्के हैं और कुल सिक्के कितने, डिब्बे एक में दो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिब्बे एक में सोने के सिक्के निकलने की प्रायिकता कितनी होगी, 2/2 होगी। कुल सिक्के कितने हैं, दो है, और सोने के कितने सिक्के, दो है, 2/2 मतलब एक हो जाएगा, ये 2 × 1, ठीक है, इसकी एक प्रायिकता हो जाएगी। अब देखिए पी ए अपॉन ई टू, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रायिकता आप निकाल ले हो डिब्बे दो में से सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता, ठीक है, डिब्बे दो में से सोने का सिक्का निकले, सोने का सिक्का निकले, ठीक है, यहाँ क्या लिखना है, निकले, यहाँ लिखना है निकले, ठीक है, निकले लिख देना, यहाँ पे निकलने निकलने लिख दे मैंने, आप ले सकते हैं निकले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए पी ए अपॉन ई टू का मतलब क्या हुआ है कि डिब्बे दो में से सोने का सिक्का निकले उसकी प्रायिकता, ठीक है। तो डिब्बे दो में से सोने का सिक्का निकले इसका मतलब क्या है, देखिए डिब्बा दो ये रहा, इसमें सोने का सिक्का तो एक भी नहीं है, तो जीरो होगा, और कुल सिक्के कितने हैं, दो है, ठीक है। तो डिब्बे दो से सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता क्या होगी, 0/2, इसका मतलब जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको निकालना पड़ेगा पी ए अपॉन ई थ्री, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रायिकता आप निकाल ले हो डिब्बे तीन से सोने का सिक्का निकलने की, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखना है, डिब्बे तीन में से सोने का सिक्का निकले, सोने का सिक्का निकले, ठीक है, डिब्बे तीन में से सोने का सिक्का निकले उसकी प्रायिकता, ठीक है। अब देखिए डिब्बे तीन को देखिए पहले, डिब्बे तीन में देखिए सोने का सिक्का एक ही है और कुल सिक्के दो होंगे, 1/1, 2, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि डिब्बे तीन में से सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता कितनी हुई, एक सोने का सिक्का है और कुल दो सिक्के, तो 1/2, ठीक है। चलो अब डियर स्टूडेंट आपको क्या निकालना था, एक बार पढ़ लेते क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर ध्यान से आपको क्या निकालना था, देखिए एक व्यक्ति यादृच्छा एक डिब्बा चुनता है और इसमें से यादृच्छा एक सिक्का निकालता है, यदि सिक्का सोने का है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बा
यदि सिक्का सोने का है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का ही है? डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का ही है, इसका मतलब आपको क्या निकालना था? पहले देखिए, आपको निकालना था पी ई वन अपॉन ए। इसका मतलब क्या है देखिए, अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। देखिए यहाँ पे लिखा था मैंने स्टार्टिंग में कि सोने का सिक्का, देखिए दूसरा सिक्का भी सोने का होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, थैले एक में दो सिक्के सोने के हैं, तो दूसरा सिक्का भी सोने की प्रायिकता, दूसरा सिक्का भी सोने का होने की प्रायिकता हम थैले एक से निकालेंगे, क्योंकि थैले एक में दो सिक्के हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, लास्ट में आपको लिखना है कि चूँकि, देखिए ये आपको निकालना था, आप यहाँ पे लिख सकते हैं पहले, चूँकि दूसरा सिक्का सोने का निकले। अब देखिए, दूसरा सिक्का सोने का निकले, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसीलिए निकाला गया सिक्का डिब्बे एक से होने की प्रायिकता। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि निकाला गया सिक्का डिब्बे एक से होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए, तो निकाला गया जो सिक्का है सोने का, जो सोने का सिक्का ए है, वो डिब्बे एक से निकले, क्योंकि एक में ही दो सिक्के सोने के, तो इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला यूज करना है आपको, बेंज प्रमेय का फॉर्मूला यूज करना है। तो बेंज प्रमेय क्या होती है, देखिए पी ई वन इंटू, इसका रिवर्स ले लो, पी ए अपॉन ई वन। अब देखिए, तीन घटनाएं थी ई वन ई टू ई थ्री, तो आपको क्या लिखना है, पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए अपॉन ई थ्री। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा तीन घटनाओं के लिए बेंज प्रमेय का। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू आपको फिल करनी है, तो देखिए वैल्यू देख लेते पहले इनकी क्या है। देखिए तो देखिए पहले यहाँ पे थैले वन की प्रायिकता, तो देखिए यहाँ पर पहले पी ई वन अपॉन ए था, इसको लिख लो, देखिए थैले वन की प्रायिकता एक बटे तीन। ठीक है, देखिए थैले वन की प्रायिकता एक बटे तीन हो गया। अब पी ए अपॉन ई वन की प्रायिकता कितनी है, देखिए यहाँ पर देखिए पी ए अपॉन ई वन की प्रायिकता वन है, तो यहाँ पे वन अपॉन में देखिए पी ई की प्रायिकता वन अपॉन थ्री थैले वन की प्रायिकता, और पी ए अपॉन ई वन की वैल्यू कितनी है, वन थी, प्लस पी ई टू। ठीक है, तो पी ई टू की वैल्यू देखिए थैले टू की प्रायिकता वन अपॉन थ्री, और पी ए अपॉन ई टू की वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहाँ पे जीरो प्लस। फिर देखिए पी ई थ्री, पी ई थ्री की वैल्यू देखिए वन अपॉन थ्री है, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे वन अपॉन थ्री रखना है। ठीक है, अब देखिए पी ए अपॉन ई थ्री की वैल्यू क्या, वन अपॉन टू है, तो यहाँ पे वन अपॉन टू रखना है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहले ध्यान से, पी ई वन अपॉन में ए इक्वल होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ वन मान लो, वन वन जब वन और थ्री वन जब थ्री, यहाँ पर देखिए वन वन जब वन अपॉन में थ्री, ये जीरो हो जाएगा पूरा, और प्लस में वन अपॉन में थ्री टू जब सिक्स बच जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए आप, तो पी ई वन अपॉन में ए इक्वल टू, ठीक है, तो वन अपॉन थ्री, एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना आएगा, एलसीएम इनका सिक्स आएगा, थ्री टू जो सिक्स टू आएगा ऊपर, और सिक्स वन जो सिक्स वन आएगा। ठीक है, अब देखिए पी ई वन अपॉन में ए, इसको सॉल्व कर लो आप, तो वन अपॉन थ्री टू वन, थ्री अपॉन में सिक्स। ठीक है, अब देखिए जो नंबर सबसे नीचे है उसका इनटू सबसे ऊपर वाले से होगा, बीच वाले के बीच वाले से होगा। ठीक है, तो पी ई वन अपॉन ए, इसका मतलब क्या है, देखिए सिक्स वन जा सिक्स और थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा। देखिए इसको थ्री से कट कर लो, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, तो आंसर कितना आएगा, देखिए पी ई वन अपॉन ए इक्वल टू टू अपॉन थ्री। यानी इसका क्या मतलब है कि सोने का सिक्का दूसरे थैले से होने की प्रायिकता,
इसका क्या मतलब है कि सोने का सिक्का थैले एक से होने की प्रायिकता 2/3 है, ठीक है। सोने का सिक्का थैले एक से होने की प्रायिकता कितनी है, 2/3 है, क्योंकि सोने का सिक्का थैले एक से क्यों चाहिए हमें, क्योंकि थैले एक में ही दो सोने के सिक्के हैं और दूसरी बार भी सोने का सिक्का निकले उसकी संभावना हम थैले एक से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रायिकता आपने निकाल ली है, ये आपका आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको नोट कर ले पहले।